औरंगाबाद के थाना सिविल लाइन स्थित छतरीवाला पार्क में भारतीय वाल्मीकि समाज ने भूमि पूजन के समय किया हवन का आयोजन। यहां बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में मुरादाबाद थाना सिविल लाइन स्थित छतरीवाला पार्क में राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन के समय पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हवन का आयोजन किया गया, जिसमें भावदस्ती कार्यकर्ताओं ने आहुति देकर कहा कि प्रभु राम सनातन धर्म के अनुयायियों के रग रग में बसे हैं। इसी कारण भावदस के लोगों ने वाल्मीकि भगवान एवं रामायण का पाठ कर हवन किया, जिसमें महिलाओं एवं पुरुषों ने आहुति देकर अपने देश को सहज एवं रोग मुक्त बनाने की प्रार्थना की व अखंड भारत की कल्पना भी की। वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्ला बाबू ने बताया कि आज वे बहुत खुश हैं कि आज बहुत खुशी का दिन है। आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन का आयोजन किया गया है। मुरादाबाद में भी भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के लोगों द्वारा हवन का आयोजन छतरीवाला पार्क में किया गया और श्री राम मंदिर के निर्माण की जल्द कामना की गई। आज सर्वप्रथम तो ये है कि हमारे धर्मगुरु डॉक्टर देव सिंह सैती को वहाँ भूमि पूजन के लिए तो जहाँ बुलाया गया है और आज भूमि पूजन है। सभी लोग यज्ञ अपने अपने गुरु का अपने अपने जो तो देवता का पाठ कर रहे हैं। आज हम भी यहाँ ब्रह्म वाल्मीकि जी का पाठ कर रहे हैं और उनके ही नाम से यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण ने ही राम को जताया था। वाल्मीकि जी ने ही रामायण लिख के 14 वर्ष पहले इनका भविष्य लिख दिया था। हम उसी देखो भगवान को मानने वाले हैं। पहले हम वाल्मीकि भगवान का पाठ कर रहे हैं, उसके बाद में और किसी देवी देवता का पाठ कर रहे हैं।